साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, आपके सामने लाइव इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, मेरी इच्छा नहीं थी कि कोई वीडियो बनाऊं लाइव, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो सामने आए, कुछ ऐसी खबरें सामने आई दोस्तों कि फिर लगा कि आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाना चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं और यकीन मानिए, लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी, जो कांग्रेस के सब करता धरता हैं, भले अध्यक्ष कोई और, राहुल गांधी और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि आप कहेंगे कि ये मतलब वाकई गुड़ गोबर कर रहे हैं। गुड़ गोबर करना, और कैसे कैसे कहते हैं कि मतलब, एक तो आपने देखा है कि जिस डाली में बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे हैं कि मतलब खुद ही अपना गुड़ गोबर कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें आप देख करके हैरान हो जाएंगे। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक एक वीडियो दिखाऊंगा। बहुत ही छोटा वीडियो आज का दोस्तों, क्योंकि दो तीन छोटे छोटे वीडियो, दो तीन छोटी छोटी जानकारियां, लेकिन वो जानकारियां ऐसी हैं जो पूरे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली हैं। आजकल तो जब लोकसभा चुनाव एकदम, अब तो कुछ ही दिनों में ऐलान होने वाला है, तो सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, पब्लिक मीटिंग बुला रहे हैं। तो आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जनाब राजस्थान में बांसवाड़ा में, वहां पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तो अब चूंकि ये एक दलित चेहरा है, कांग्रेस पार्टी ने यही सोचकर उतारा, लेकिन सवाल यह है कि आपका इतने दशकों तक राजनीतिक जीवन में अनुभव है और आप राष्ट्रपति के बहाने मोदी सरकार पर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं, इनको ये नहीं पता कि इस देश की राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम क्या है। आपको बयान सुना रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, जानते मुर्मा, राष्ट्र की अध्यक्ष मुर्मा क्यों नहीं बुलाया। आप सिर्फ वो शब्द सुनिए, आपको समझ में आएगा कि ये राष्ट्रपति का नाम तक नहीं जानते। सुन लीजिए, पूछता हूं, इतने बड़े मंदिर में आप एक आदिवासी राष्ट्र की अध्यक्ष मुर्मा को क्यों नहीं बुलाए, मैं पूछता हूं। बड़े तो बोले कांग्रेस वाले बाइकॉट किए, वो करे ये करे, ऐसा हवा फैलाते हो, लेकिन मुर्मा इस देश की राष्ट्र, जो राष्ट्र यानी हमारी प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, तो उस राष्ट्रपति का अपमान आपने किया। जब हमारा पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, क्या आप मुर्मा जी देखा आपने दोस्तों क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति मुर्मा राष्ट्र की अध्यक्ष। अब ये परिस्थिति आप समझिए, ये कांग्रेस कोई भी मेहनत नहीं है, इनका कोई कंसर्न नहीं है दोस्तों कि राष्ट्रपति को बुलाया क्यों नहीं बुलाया। हालांकि इनको सब कुछ पता है, इनको पता है कि जो इस देश में संसद की परिभाषा है, संविधान में दी गई है, उस संसद में तीन पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के उद्घाटन में खुद संसद के हिस्से को थोड़ी बुलाया जा सकता है, ऐसा तो संभव नहीं, या राष्ट्र के सबसे बड़े मंदिर या कोई भी काम। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधना है, तो एक बहाना ढूंढते हैं। ये वैसी ही बात है कि प्रियंका वाड्रा भाजपा शासित राज्यों में जाकर कहती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन जब बात इनके शासनकाल में कांग्रेस की थी, तब लड़कियों की याद नहीं आती थी। बंगाल पर दोस्तों एक शब्द नहीं कहा, बंगाल में तो महिलाएं भी हैं और दलित भी हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, एक शब्द नहीं निकला। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनकी जुबान में तो ताला सिल गया है, कुछ नहीं, जाना तो छोड़ दीजिए, और इनको राष्ट्रपति की चिंता है। लेकिन चलो, चिंता भी हो तो आपको राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता। ये सब इसीलिए होता है ना, जब आप एकदम उठकर जाएं और लगे कि जी मोदी पे निशाना साधना है, कुछ भी बोल दिया। तो द्रौपदी मुर्मू को आप मुर्मा कहते हैं।
लेकिन खड़गे साहब आजकल बड़े परेशान है। पता नहीं आपने वीडियो देखा है कि नहीं, मैं तो आपको आज का ही वीडियो दिखाऊंगा, पुराना नहीं। आजकल जहां भी जाते हैं ना, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। अब जब मोदी पे ये सवाल खड़ा किया गया कि आपका तो परिवार ही नहीं है, तो हर जगह लोग बोलते हैं, समर्थन जताते हैं। ऐसे ही तो समर्थन जताएगा ना, यही तो एक लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन ये जनाब चिढ़ जाते हैं। जानते हैं एक जगह आज क्या कह रहे हैं कि तुमको मोदी ने बर्बाद किया, GST ये वो, और फिर भी तुम भजन करते रहते हो मोदी का। मतलब आप सोचिए चिढ़न, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप देखिए और महसूस कीजिए कि इनके अंदर, इनके मन में कितना जहर भरा पड़ा है। देख लीजिए इस वीडियो को। देने का वायदा किया था, मिला? अरे नोटबंदी GST करके तो देश के गरीब लोगों को बर्बाद किया, फिर भी मोदी 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 बोलते, क्या मेरे को समझ में नहीं आया। अरे जो आदमी गरीबों को परेशान करता है, बर्बाद करता है, उसके भजन करते हो? देखा आपने दोस्तों, देखते चले जाइए। और ये आज ही का वीडियो दिखा रहा हूं, आज ही का है। और ये जो बांसवाड़ा में है, यहीं पर राहुल गांधी भी थे, उन्होंने भी एक अजीबो गरीब हरकत की। आप तो कई बार देख चुके हैं, टीका लगाना हो, कुछ करना हो, आज राहुल गांधी को देने के लिए मंच पर एक समर्थक माला देने आया। और ये खादी के धागे वाली माला थी, खादी के धागे वाली माला, अभी मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। उसने लेने से मना कर दिया, राहुल गांधी ने बोला नहीं लेंगे। समर्थक को लगा कि नहीं यार, देना चाहिए, फिर वो देने के लिए पहुंचा, दे दिया, फेंक दिया उसे। आप वीडियो देखिए बड़े ध्यान से, मैं दिखा भी रहा हूं आपको, देख लीजिए। मतलब खादी की माला, ये लोग तो यही कहते हैं ना कि खादी तो मतलब सब कुछ हमने ही किया खादी को लोगों के बीच, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि खादी की खरीद बिक्री सब खत्म हो गई। और खादी का मतलब कुटीर उद्योग, इस देश के गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत। खादी बनाता कौन है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको पॉपुलराइज किया, एक फैशन आइटम बनाया, लोगों के रोजगार में बढ़ोतरी हुई, देश की शक्ति बनी। बाकी बहुत सारे कपड़े तो विदेशों से आयात होते हैं, लेकिन खादी तो अपनी ताकत है। और सोचिए खादी की बनी हुई माला इनको देने के लिए जब पहुंचा, देख रहे हैं ना कैसे मना कर रहे हैं, और उसके बाद फेंक देते हैं। तो ये है राहुल गांधी की असलियत। और जब ये सारी चीजें बता रहा हूं, तो आज इन्होंने फिर से एक लंबा चौड़ा अनाउंसमेंट किया है, बड़े बड़े। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि आज मैंने अभी 2-3 घंटे पहले एक बहुत ही शानदार वीडियो, आप यकीन मानिए कम से कम नहीं भी तो 20-25 घंटे की मेहनत, उससे भी अधिक, 3-4 घंटे पहले मैंने कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो को डिकोड किया। पता नहीं क्यों मेरे वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं रहे, रोक रहे हैं, कई सारे लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे मदद चाहता हूं, आप जरूर फैलाइए। इतनी मेहनत से मैंने निकाला है, जिसमें चुनावी मैनिफेस्टो और 5 मुद्दे उठाए हैं, जिस पर कांग्रेस ने 2004 में वादा किया, 2009 में वादा किया, और 10 साल में पूरा नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे पूरा कर दिया। और आज फिर वही राहुल गांधी लंबे लंबे वादे, पिछले बार भी किया था याद है ना, न्याय योजना 72-76 हजार देने की, लोगों ने सुना नहीं। आज क्या कह रहे हैं देखिए, इनको लगता है ना जितना लोभ लालच देना है दे दो, बस कहीं तो फंसेंगे, जैसे कर्नाटक में फंस गए, हिमाचल में फंस गए, वो हाल है। मैं आपको इनका ट्वीट दिखा रहा हूं। युवाओं ध्यान से सुनो, हम तुम्हारी सालाना 1 लाख रुपए की पक्की नौकरी पक्की करने जा रहे हैं, 1 लाख रुपए की पक्की नौकरी पक्की करने जा रहे हैं। हमारी ये ऐतिहासिक योजना बेरोजगारी की बीमारी का हमेशा के लिए इलाज है। अपना रोजगार तो ढूंढ नहीं पाए, दूसरे का दूर करेंगे। और देखिए,
कांग्रेस सरकार राइट टू अप्रेंटिस एक्ट बनाकर 25 साल से कम उम्र के हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी को सरकारी या निजी संस्थान में एक साल अप्रेंटिसशिप का मौका देगी। प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। लंबा चौड़ा कोई जाकर पूछे, यही वादा कर्नाटक में किया, मिला क्या? कर्नाटक में कहा दोस्तों कि हर ग्रेजुएट को पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, फलना मिलेंगे, ढिकाना मिलेगा, कुछ नहीं मिला। और रोजगार पर तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लगातार मैं रोजगार पे ही किसी समय निकाल कर आपको दिखाऊंगा। हर इलेक्शन से पहले कभी कोई वादा पूरा नहीं किया गया, बल्कि मैं तो कोशिश करूंगा आपको नेहरू से दिखा दूं, जो पूरे भारत की रोजगार बेरोजगारी दूर करने वाले थे, इंदिरा गांधी, सारे के आंकड़े पड़े हैं मेरे पास, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जनाब फिर से वही लॉलीपॉप थमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग फंस जाए, कहीं फंस जाए, किसी एक मुद्दे पे फंस जाए, बस काम बन जाएगा। मोदी जी को आने से रोकना है तो ये किया है दोस्तों, लेकिन ये लोग जानते नहीं है कि जितना झूठ बोलेंगे उतना ही एक्सपोज होंगे ये, और कोई बदल भी नहीं सकता। और इसीलिए जब इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये आक्षेप लगाया, इन्हीं के साथ लालू यादव ने, कि उनका कोई परिवार नहीं है, हिंदू नहीं है, तो आप देखिए क्या स्थिति बनी है पूरे देश में। जगह जगह मोदी का परिवार तख्ती लेकर के लोग खड़े हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, ये कैंपेन चल पड़ा है देश भर में। और ये भी समझ लीजिए कि मतलब जैसे पिछली बार मैं हूं चौकीदार चला था ना, वैसे ही मैं हूं मोदी का परिवार, और इन पर ये भारी पड़ने वाला है। बकायदा मैंने देखा दोस्तों घरों में पोस्टर लग रहे हैं, लोग पोस्टर लगा रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, आप इस मुहिम में साथ हैं, नहीं है, सही है, क्या है, आप जरूर बताइए। घरों के अंदर लोग पोस्टर लगा रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, जैसे पिछली बार याद है कई लोगों ने लगाया था, ये बड़ा वायरल भी हुआ था कि कांग्रेसियों घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, हम लोग मोदी समर्थक हैं, ये लोगों ने लगाया था। और यही स्थिति इस समय मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन के साथ हो रहा है। हर आदमी खड़ा हो गया है, मैं हूं मोदी का परिवार। और यही वजह है कि आज मैंने देखा दोस्तों कि दो बड़ी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग, और दो ऐसी राज्यों, ऐसे राज्यों में जो सोचकर आप हैरान हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, जो कोलकाता में एक जस्टिस है अभिजीत गांगुली, जिसको लगातार तृणमूल कांग्रेस चुनौती दे रहे थे जस्टिस को, बाकी आप अगर भाजपा में ऐसा हो जाए तो संविधान ही खतरे में पड़ जाता, लेकिन लगातार बंगाल में हाई कोर्ट के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी लगातार। ममता सरकार के मंत्री हो, कोई हो, अभिषेक बनर्जी हो, सब लोग सीधे चुनौती दे रहे थे, हाई कोर्ट के जज परेशान हो रहे थे, उनकी पति को प्रताड़ित करने की कहानी दिखा चुका हूं, वो सीधे इल्जाम लगाते थे। आखिरकार हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दे दिया। बड़ा तृणमूल के लोग बोलते थे कि आप चुनाव ही लड़ लो, अब इन्होंने तय किया कि चुनाव ही लड़ेंगे, रिजाइन कर दिया हाई कोर्ट के जस्टिस पद से। और इसको ऐसे मत जोड़िएगा, कांग्रेस के समय ऐसे ऐसे खेल हुए ना, आप कहानियां अगर आपको सुनाऊं, वैसे तो मैं दिखा चुका हूं आपको, टाइमलाइन में पीछे दिखेगा दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। यहां तो चूंकि खुलेआम हाई कोर्ट को चुनौती दी जा रही थी, और इसीलिए शायद हाई कोर्ट को महसूस हुआ और शाहजहां शेख के मामले में इतनी सख्ती दिखाई है, आज भी बड़ी सख्ती दिखाई है। मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है वहां के, उन्होंने शाहजहां शेख के मामले में कहा कि भैया जिला परिषद का ये प्रमुख है, इसको हटाओ। अब जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगी, ये भी सुनिश्चित किया कि ये कोई अधिकार को एंजॉय ना करने पाए। तो उसी हाई कोर्ट के एक जस्टिस है दोस्तों अभिजीत गांगुली, आज इन्होंने खुलकर यह तय किया कि अब हम चुनावी मैदान में ही टीएमसी को चुनौती देंगे। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। आज एक और बड़ी खबर जो मैं
आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए केरला से हैं पद्मजा वेणुगोपाल, कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी है पद्मजा वेणुगोपाल, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये बहुत बड़ी ताकत है, जो लोग साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और इस पर तो एक मैं इन मुद्दों पे अलग कहानियां भी कर सकता हूं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव में अगर लोग भाजपा के प्रति उन्मुख हो रहे हैं, आने के लिए विवश हो रहे हैं या आने के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है, तो इसकी वजह साफ है। ऐसे ही कोई केरल में थोड़ी आ जाएगा, पता है कि आपके ना विधानसभा में एक सीट है ना लोकसभा में एक सीट है, फिर क्यों आ रहे हैं लोग। और यही तेलंगाना में आप देख चुके हैं, बीआरएस का सांसद आ गया, केरल में तो कई लोग आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनको यह एहसास हो रहा है कि किस प्रकार से केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, यहां पर हवा बदलने लगी है। अब प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों का प्रेम है वो खुलकर सामने आ रहा है, लोग खुलकर इजहार कर रहे हैं। लेकिन आखिर में दोस्तों मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो राहुल गांधी हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनको भाजपा से खतरा नहीं है, इनको खुद ही से खतरा है। ये खुद ही अपनी नैया डुबो रहे और अपनी हरकतों से डुबो रहे। इनके पास कोई रिसर्च नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई नीति नहीं है, सिर्फ मोदी को गाली दो और लोभ लालच के जरिए लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो बड़ी बड़ी खबरें हैं जो छूट जा रही हैं, उन खबरों को भी इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जब आप देख रहे हैं तो कृपया अपने सामाजिक परिवार में, सोशल मीडिया में, खासकर फेसबुक, ट्विटर पर या फिर व्हाट्सएप पर मेरे वीडियो को जरूर लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, लोग बता रहे हैं कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी नहीं जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं, रोका जा रहा है ऐसे। वरना जो वीडियो 2-2 लाख तक पहुंच रहे थे और मेरे आज 2-3 घंटे पहले के वीडियो, और आप कल का वीडियो देखिए, इतनी मेहनत से तैयार किया है, वो पहुंच ही नहीं रहा लोगों तक। तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप लोगों तक जरूर पहुंचाइए, बताइए और हमारा साथ दीजिए। बाकी लाइव हूं, परमानंद यादव जी, जय सियाराम, आशीष जी, विजय जी, योगिंदर राव जी, सबको नमस्ते, अभय जी, सूर्यकांत जी, सुदेश जी, योगिंदर जी लिखते हैं, हरीश जी, यह कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जब बोलता है तो ऐसे लगता है कि यह तो रुके बोल रहा है। धर्मेंद्र सिंह, कांग्रेस इज ए कलेक्शन ऑफ फूल पीपल्स। विष्णु बाका, अकॉर्डिंग टू मी पप्पू एंड खड़गे बोथ आर गोबर ओनली लिख रहे हैं। हंसा पटेल, क्या जयराम रमेश ने भीड़ जबरदस्ती बुलाई और कांग्रेस की नौकरी का वादा, क्या युवा नौकरी के लिए मोदी जी को छोड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, सुब्रमण्यम जी, कंचा कांति जी, ब्रह्मेंद्र जी, वेणुगोपाल जी, योगेंद्र जी, पुरुषोत्तम तिवारी जी, आप सभी को जय सियाराम, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।